ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बांझपन लाइलाज नहीं है, तमाम ऐसी तकनीक आ चुकी है जिससे बांझपन का इलाज किया जा सकता है। और किसी के घर में, जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे, उनके घर में भी बच्चे होने की उम्मीदें इन तकनीकों ने जगाई हैं। उन्हीं पर आज बात कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर सोडी, अब जब पता चल जाता है कि महिलाओं में तमाम जो इनिशियल स्टेज में आप जो टेस्ट करते हो वो सॉल्व नहीं है, तो फिर उसके बाद कौन सी तकनीक शुरू होती है? आप बता रहे थे आई है, IVF है, ICSI जी, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हैं क्या, ताकि जो दर्शक है उन्हें समझ आ सके कि होता क्या है, कैसे होता है और क्या कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होती। जी देखिए, सबसे सिंपल इन सब प्रोसीजर्स को बोलते हैं ART, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इनमें से एक बहुत सिंपल और बेसिक सी तकनीक है जिसको बोलते हैं IUI, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जो है, जो आदमी है, जो पुरुष है, उसके वीर्य में से शुक्राणु निकाले जाते हैं। कुछ उसके लिए तकनीकें होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। उन शुक्राणुओं को में से जो अच्छी क्वालिटी के शुक्राणु हैं, जिनके देखने में आकार सही है, जो जिनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जिनकी मूवमेंट अच्छी है, उनको निकाल के ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे मीडियम में डाला जाता है जिनसे उनकी एनर्जी और बढ़े। और फिर डायरेक्टली हम लोग एक पतली प्लास्टिक की ट्यूब होती है, उससे हम औरत के अंदर डाल देते हैं। जब उसका अंडा शरीर में बन के तैयार है, उसी समय शुक्राणु भी उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो इसमें कहीं पे भी कोई दर्द का काम नहीं है। हाँ, टीके ज़रूर लगते हैं एक दो, और टीके लगने के अलावा और किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। ये IUI जी, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अस्पताल में भी जब कोई दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो एक दो घंटे में सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर, में IVF कब सजेस्ट करते हैं? IVF हम सजेस्ट करते हैं जब दोनों एक तो ट्यूब्स बंद हो, तो उसमें ये होता है कि हम IUI नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसमें सेकेंड ऑप्शन पेशेंट के लिए जो रहती है वो IVF रहती है, बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम लोग करते हैं, जैसे अंडे पहले तैयार करते हैं एक लेडी के, उसको टीके लगते हैं, रोज़ाना टीके लगते हैं। टीके लगने के बाद उसके एग्स जब पूरे मच्योर हो जाते हैं, जब वो हो जाता है कि हाँ इतने एग्स बन चुके हैं, तो उन अंडों को हम बाहर निकालते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद हम पुरुष के वो लेते हैं, कीटाणु लेते हैं। तो पुरुष के कीटाणु और जो एक लेडी से हमने अंडे लिए हैं उनकी जो मीटिंग है वो फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर कराते हैं। फिर वो मीटिंग कराने के बाद हमारी जो मशीनें होती हैं उनके अंदर हम उनको बनने के लिए रख देते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज के कितने जो बच्चा तैयार हुआ है, जिनको हम एम्ब्रियोज बोलते हैं, कि वो कितने सेल पे हैं, 4 सेल स्टेज पे, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी को बोलते हैं, बेबी इसी को ही कहते हैं। बेसिकली IVF इज अ शॉर्ट नेम, मतलब थ्योरेटिकल नेम IVF है, लेकिन हमारी भाषा में उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिसमें हम बच्चा ट्यूब में तैयार करते हैं, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उसके बाद फिर जब वो तैयार हो जाते हैं एम्ब्रियो, तो हम उसको लेडी के अंदर डाल देते हैं। अब ये थर्ड टेक्निक ICSI, डॉक्टर साहब, ICSI ये क्या है? ये डॉक्टर सोडी ही बताएंगे। अच्छा, क्योंकि ये ही लेकिन उससे पहले मेल में भी कोई IUI में कुछ हमारा जो रोल है इसमें, वो वीर्य में शुक्राणुओं की तादाद को बढ़ाना या लाना। अगर नहीं है तो कहीं ब्लॉकेड है तो हम उस ब्लॉकेड को रिपेयर करते हैं। ब्लॉकेड का मतलब है रुकावट। टेस्टिस से स्पर्म बन के वीर्य तक आने में कहीं रुकावट है तो हम उस रुकावट को रिपेयर कर देते हैं सर्जिकली। दूसरा हमारा रोल होता है अगर क्वालिटी स्पर्म बहुत कम बन रहे हैं और उसके कुछ सर्जिकली सर्जरी से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं तो हम उसको करेक्ट करते हैं। जैसे मैडम ने बताया वेरिकोसील रिपेयर, तो इस तरह से, और कुछ दवाइयाँ दे के शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाते हैं। एक बार शुक्राणु वीर्य में आ जाते हैं तो हम वो वीर्य कलेक्ट करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवा के हम हमारे क्लीग को दे देते हैं। वो एग से उसको कंबाइन करते हैं, IUI कर देते हैं, या ICSI में IVF में काम आते हैं। कृत्रिम गर्भाधान है ये? कृत्रिम गर्भाधान, जो इन्होंने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोले हैं। तीसरा ये होता है अगर फिर भी हम वीर्य तक शुक्राणु ना पहुँचा पाए तो हम एट सोर्स टेस्टिस से ही उन शुक्राणुओं को रिट्रीव करके अपने कलीग्स को दे देते हैं। वो अंडा निकाल के उनके साथ आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में कंबाइन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा रोल आता है मेल इनफर्टिलिटी। ICSI जी,
इक्सी, आम भाषा में जो इक्सी कहते हैं, आईसीएसआई। आईसीएसआई बेसिकली जो आईवीएफ का ही, टेस्ट ट्यूब बेबी का ही थोड़ा सा और एडवांस्ड तरीका है। आईवीएफ में क्या होता है कि औरत में से अंडे निकाल लिए गए, वीर्य में से शुक्राणु निकाल लिए गए और उनको एक साथ एक छोटी डिश में, प्लेट में या ट्यूब में डाल के रख दिया। अब उसके बाद जब अंडे और शुक्राणु एक साथ पड़े हैं तो कोई शुक्राणु और अंडा आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एम्ब्रियोज बन जाएंगे। उन एम्ब्रियोज को फिर हम लोग जब वो डिवाइड करने शुरू होते हैं, पहले एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड करके दो सेल हुआ, फिर चार सेल हुए, फिर आठ सेल हुए, तो फिर हम ऐसी कोई स्टेज पे उसको चार सेल या आठ सेल या उससे आगे वाली स्टेज में उनको निकाल के औरत के गर्भाशय में, यूट्रस में डाल देते हैं। लेकिन अगर शुक्राणु बहुत कमजोर है या अंडे की क्वालिटी में कुछ कमी है तो कई बार एक साथ रखने के बावजूद भी उनकी आपस में मीटिंग नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। शुक्राणु इतना कमजोर है कि एग को एंटर नहीं कर पाता, या अंडे का जो बाहर की लेयर जोना बोलते हैं वो इतना थिक है या उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि वो एग की एंट्री अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में आर्टिफिशियली दोनों को जोड़ा जाता है, उस टेक्निक को बोलते हैं आईसीएसआई, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक एक स्पर्म को पकड़ के एक बहुत फाइन नीडल के साथ, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे एग शुक्राणु को अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो आर्टिफिशियली उनको जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद अगर कुछ बेसिक क्वालिटी उस एग और शुक्राणु की सही है तो फिर वो आपस में मिल जाते हैं और फिर वो सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, एम्ब्रियोज बन जाते हैं और उनको अंदर डाला जाता है। और खास करके जब जब एजूस्पर्मिया होता है, यानी कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु है ही नहीं, तो हमें डायरेक्टली कई बारी टेस्ट से ही जो डॉक्टर साहब ने भी बताया है, तो वो जो शुक्राणु हम निकालते हैं नॉर्मली उनकी मात्रा भी बहुत कम होती है और उनकी एनर्जी और मूवमेंट भी कम होती है, उसमें तो आप इक्सी फिर हमें इक्सी उस समय जरूर, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो एग है वो बनते ही नहीं कभी, या पुरुषों में तो चांसेस फिर भी आप कह रहे हैं कि ना के बराबर होते हैं कि संभावना ना हो कि वो बच्चा ना हो, है ना? महिलाओं में ज्यादा कहीं से हम कुछ शुक्राणु निकाल ही सकते हैं टेस्टिस से पुरुषों में, इतनी एडवांस हो गई ये टेक्निक्स जहाँ पे हम डायरेक्टली महिलाओं में बिल्कुल ही चांसेस ना हो। जी, महिलाओं की जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है तो अंडे कम होते जाते हैं, तो 40 साल के बाद तो बहुत रेयर है कि किसी औरत को प्रेगनेंसी हो, और 45 साल के बाद तो शायद कहीं हजारों या लाखों में कोई एक औरत का कभी डॉक्यूमेंट हुआ होगा कि उसको प्रेगनेंसी हुई है कुदरती तौर पर या आर्टिफिशियल टेक्निक से उसके अपने अंडों के साथ, क्योंकि एक उम्र के बाद में वो अंडे नहीं बनते और हमें अंडे किसी दूसरी औरत के ही लेके आईवीएफ भी करना पड़ता है। जो प्रकृति ने नियम बनाए हुए थे शादी को लेकर, हमारे यहाँ जो शादी की उम्र 18 साल के बाद बनाई गई है लड़कियों की, और 21 साल जो लड़कों की रखी गई, बड़ी सोच समझ कर रखी गई है वो, इस बात को ध्यान में रखकर कि एक आइडियल एज है, पहले नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, उससे पहले की तो मैं बात नहीं कर रही, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ कि शायद यही सोचकर कानूनन जो उम्र भी बनाई गई है यही बनाई गई है। हाँ जी, और ये बहुत डिबेटेबल सा सवाल बन जाता है, लड़कियों को पढ़ाना भी जरूरी है, उन्हें अपने जॉब्स में सेटल होना भी जरूरी है, और आजकल बढ़ भी रहा है कि होना भी चाहिए, लेकिन इतना इस चीज को भी भुलाना नहीं है। इसमें अंधाधुंध ना दौड़ते रहे कि आप 35-40 साल तक के बाद आपको लगे कि अब तो हमें बच्चे की जरूरत है, अपने बच्चे की, और तब मुश्किल है। हालांकि उसमें भी और तरीके हैं, लेकिन वो फिर वो तो हो गया ना कि है ही नहीं। हाँ जी, हो सकता है कि चांसेस थे 25-26-30 साल में, 25 से 35 के बीच में सेफ आइडियल एज, 25 और 35 के एज माँ बनने के लिए, एक महिला के लिए 25 और 35 साल के बीच। ये डिफरेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि संयुक्त परिवार अब बिखर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अकेले रहते हैं लोग, तो वो और शायद सेटल होने के बाद भी ऐसी हो सकती है कि आप करियर के पीछे, पैसे के पीछे बहुत स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए, उस वजह से स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, उस वजह से तमाम जो आप तो इनफर्टिलिटी बताए ना कि उसमें से इनफर्टिलिटी की भी तमाम वजह जो ये है। अब एक सवाल ये उठता है कि जितनी तकनीक है ये कितने परसेंट तक सक्सेसफुल होती है? तकनीक सक्सेसफुल होने के लिए भी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक कारण क्या है, और तकनीक की सक्सेस भी बहुत सबसे ज्यादा निर्भर करती है जो औरत की उम्र पे। अच्छा, तो क्योंकि जो एग की क्वालिटी और जो एग की मात्रा
अंडों के अंदर है, उसी पे उसी से रिजल्ट बनाएगा जो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ वगैरह है, उस वो भी जो है उसके अंदर की ही जो शरीर की चीज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी को यूज करके बनाते हैं हमें। तो जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें जो सक्सेस रेट है, कामयाबी के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। ट्रीटमेंट भी लेना है तो डॉक्टर रिमी वक्त पर ले लेना चाहिए, दोनों की, दोनों की। एक प्रैक्टिकल चीज है कि कंसेप्शन जो कि प्रेगनेंसी के लिए अंडे का और शुक्राणु का मिलना, अंडा हेल्दी है और शुक्राणु हेल्दी है तो प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से ही मिल जाएंगे। इनमें कहीं भी अगर उन दोनों के मिलने में रुकावट है तो हम आर्टिफिशियल टेक्निक पे आते हैं। आर्टिफिशियल टेक्निक में अगर शुक्राणु की संख्या ठीक है और एग ठीक है पर मिल नहीं पा रहे तो हम आर्टिफिशियली वीर्य इंजेक्ट करके उनको मिला देते हैं। फिर भी नहीं वो मिल पा रहे तो हम टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहे तो हम शुक्राणु कमजोर है या अंडे में कोई प्रॉब्लम है तो हम आर्टिफिशियली अंडे के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से और परसेंटेज वाइज ये परसेंटेज घटती जाती है सक्सेस की। एम आई राइट? तो इस तरह से ये सारे तरीके, यानी कि बहुत इंतजार भी नहीं करना, सालों भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि 5, 6, 8 साल, 10 साल बच्चा हो नहीं रहा, शायद नहीं, जाते एक या दो साल मैक्सिमम, एक डेढ़ साल के बाद हम उनको पता, अगर उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर तो उसका उनको इलाज कराना चाहिए। अच्छा, कुछ क्या ऐसा भी है कि इनफर्टिलिटी हो ही ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वजहों से, कुछ चीजों का पालन करके या कुछ ऐसा? कुछ जो कारण है इनफर्टिलिटी के उनको हम लोग एक तो टाइमली डायग्नोज कर लें तो उससे फर्क पड़ता है। एक तो जैसे उम्र है, ज्यादा उम्र हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है, तो एक आइडियल एज 25 से लेके 35 साल तक की हो गई। 35 साल के आगे, हाँ मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी कि 35 साल के बाद एक तो प्रेगनेंसी होती नहीं, दूसरा बच्चों में एबनॉर्मेलिटी होने के, खास करके मेंटल एबनॉर्मेलिटीज होने के, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उस कारण से भी आइडियल है कि 35 साल की उम्र से पहले पहले ये चाहे नेचुरली प्रेगनेंसी हो या प्लानिंग हो या ट्रीटमेंट्स हो, कर लेने चाहिए। एबनॉर्मेलिटीज की बात में एक सवाल आ रहा है, कहते हैं ये जो आईवीएफ तकनीक से जो बच्चे कृत्रिम गर्भाधान से पैदा होने वाले बच्चों में डाउन सिंड्रोम यानी कि मानसिक रूप से असमान लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, क्या ये सच है? ऐसा नहीं है कि डाउन सिंड्रोम इन लोगों में ज्यादा है जो आईवीएफ से या टेस्ट ट्यूब बेबी से बनते हैं। बात यह है कि अक्सर ये टेक्निक्स जो है उन लेडीज में की जाती है जो ऑलरेडी 35 साल से उम्र बढ़ चुकी है, तो जो जिनके 35 साल से उम्र ज्यादा है उनमें कुदरती तौर पे अगर प्रेगनेंसी हो तो भी डाउन सिंड्रोम का ज्यादा चांस है, और आईवीएफ से हो तो भी, शायद इसी वजह से ये ऐसा नहीं है, ऐसे मिथ सामने आ रहे हैं, यानी कि मिथ ही है क्योंकि वो एज फैक्टर आ जाता है उस वजह से ये प्रॉब्लम जा सकती है। तो वही बात फाइनली आती है कि 35 से पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो 35 से पहले, और उससे पहले ही अगर कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी जाना है तो उससे पहले वेट ना किया जाए। कुछ हद तक अबॉर्शंस का, मिसकैरेजेस का भी चांस ज्यादा हो जाता है आईवीएफ के बाद में। फिर वही है कि कहीं ना कहीं तो बच्चेदानी में कमी है इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, और उम्र ज्यादा है तो इन कारणों से भी कुछ 4% 5% चांस ज्यादा हो जाता है। अब उसी सवाल पे कि क्या कुछ ऐसे तरीके हैं कि इनफर्टिलिटी ना हो, क्या ऐसा भी संभव है? इनफर्टिलिटी ना हो के लिए मैं बात शुरू की थी मैंने कि एक तो समय से प्रेगनेंसी प्लान की जाए, दूसरे जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की बात करनी चाहिए यहाँ पे हमें, कि जो ट्यूबों का ब्लॉक होना, नसों का ब्लॉक जो लेडीज में होना और कुछ हद तक पुरुषों में भी, वो जेनिटल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। जब इन्फेक्शन होता है तो यूट्रस को डैमेज करता है, ट्यूबों को डैमेज करता है, जो एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध। जी 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 हाँ, तो उसमें इन्फेक्शन होता है, एक इंसान से दूसरे को इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरे से तीसरे को इन्फेक्शन है, तो एक आदमी से या एक औरत से ज्यादा संबंध होने में इस तरह के इन्फेक्शन आने का डर होता है। तो ये बिल्कुल ही एक अवॉइड करना चाहिए महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, दोनों के लिए बराबर चांसेस, क्योंकि वीर्य के पैसेज में अगर इन्फेक्शन है या वीर्य में भी इन्फेक्शन है तो भी क्वालिटी शुक्राणुओं की कम हो जाती है, संख्या भी कम हो जाती है, तो वो इनफर्टिलिटी या बांझपन को, शायद इसलिए हमारे समाज में शादी का बंधन, जो शादी है वो इसलिए बनाई गई थी कि आपको लीगलाइज एक तरह से कर दिया जाता है आपको इन संबंधों के लिए। डॉक्टर रिमिक, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ और प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल सेकंड चीज जो होती है, और थर्ड कहना चाहूंगी स्ट्रेस लेवल, जो आजकल लेडीज में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, करियर को लेके, दोनों में बढ़ रहा है, करियर को लेके स्पेशली इन फीमेल्स,
जो आईटी सेक्टर है और है, दे आर वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड गर्ल्स. शादी के जब 3-4 साल 5 साल निकल जाते हैं तब उनको सोचते हैं कि अब बच्चा भी हमने करना है, पर यही डिसीजन उनको पहले लेना चाहिए एंड दे शुड लाइक उनको अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रखना चाहिए. पहले दी जाती है, पहले फैमिली आती है, उसके बाद वो अभी शायद समझ नहीं आ रहा, वो वही समझ में कमी है शायद इसी वजह से. पश्चिमी देशों में भी यही कारण है नेगेटिव ग्रोथ रेट का, करियर ओरिएंटेड है, एल्डरली हो जाती है तब तक प्रेगनेंसी पॉसिबल जाके कि प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी का रेट कम हो जाता है और वो फिर ये आर्टिफिशियल टेक्निक के लिए नहीं जाते. और लेकिन उसके लिए भी आप डॉक्टर सोडी आप कह रही है कि उसके लिए भी एक एज है. एज है नहीं, एज नहीं है उसके लिए, ये कि हाँ रिजल्ट्स उसमें एक कम एज में ज्यादा अच्छे आते हैं. अगर एज बढ़ती जाती है तो रिजल्ट्स का थोड़ा सा कम होता फिर जो जो इसके सक्सेसफुल कितने होने के कितने चांसेस है वो बात तो सवाल तो फिर उसी पर आ जाता है ना. फिर घूम फिर कर यानी कि बहुत कुछ हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है इनफर्टिलिटी. लेकिन कुछ ऐसा अब क्योंकि आखिरी स्टेज पर हूँ इस पूरी चर्चा के, डॉक्टर सोडी क्या ऐसा भी होता है कि कोई भी 100% चांसेस ही नहीं है महिलाओं के? ऐसा है कि साइंस जो है विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, अगर अंडा सही नहीं बनता है तो अंदर बिल्कुल ही कम मात्रा हो गई अंडों की तो हम लोग अंडा किसी और औरत से ले सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एग डोनेशन. तो किसी और औरत ने अंडा तैयार करके अगर उस औरत का जो पति है उसके शुक्राणु सही है उनसे प्रेगनेंसी तैयार करके उसकी कोख में डाली जा सकती है. लेने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर पति के जो है जो पुरुष है उसके स्पर्म सही हैं तो फिर तो उसके हो जाएंगे. एग अगर सही नहीं है, एग हमने दूसरी औरत के, दूसरी औरत से ले सकते हैं. कई बारी मर्द के अंदर पुरुष के अंदर भी शुक्राणु बिल्कुल नहीं बन पाते या ये जो बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं ये काफी महंगी भी है, कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा कर पाए तो फिर हमारे पास स्पर्म बैंक्स भी अवेलेबल है. लेकिन कितने लोग इस तरफ इस जाते हैं ये डिपेंड करता है इस चीज के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अपना ही बच्चा हो चाहे किसी भी तरीके से हो. दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं, एग का बनना और यूट्रस का होना. अगर यूट्रस ही नहीं है, ए जेनेसिस भी कहते हैं उसको, तो फिर वो औरत माँ नहीं बन पाएगी, उसको या तो सैरोगेसी करनी पड़ेगी या फिर यूट्रस का होना बहुत जरूरी है. ऐसी भी कंडीशंस होती है कि यूट्रस ना हो. अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है पर बहुत कम मामलों में होता है. बहुत कम, बहुत कम. एजेनेसिस बोलते हैं. एजेनेसिस या फिर यूट्रस कई बार इतना डैमेज हो जाता है. हमारे देश में जो है टीबी बहुत ही कॉमन है और टीबी जो है कई बार जिसको जो है फेफड़ों में टीबी हो गई वो उसको खांसी बुखार इस तरह के लक्षण होते हैं. लेकिन अगर यूट्रस में और ट्यूबों में टीबी हो कई बार कोई भी इस तरह का लक्षण पता ही नहीं लगता. जब उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है बांझपन के लिए इलाज जांचें करना शुरू करते हैं तब हमें पता लगता है कि उसके बच्चेदानी के अंदर टीबी है. तो लेकिन उस दौरान एग्स बन रहे होते हैं. हाँ, अंडा बनता फिर आप ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान के तरीके उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर टीबी से बच्चेदानी इतनी ज्यादा डैमेज हो गई है कि उसके अंदर IVF टेक्निक से भी नहीं हो सकता फिर हाँ, हमें बच्चा पाल ही नहीं सके अपने अंदर 9 महीने तक. हाँ, फिर आप सरोगेसी यानी किराए की कोख जो जिस पर भी अब आजकल बहुत लोग बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जिनके कोई भी चांसेस नहीं होते, जब ये प्रॉब्लम्स होती है जो आप लोग गिना रहे हैं तो उसकी तब फिर वो सरोगेसी के लिए जाते हैं और सरोगेसी भी का भी पूरा यहाँ पर इलाज होता है ना. चलिए शुक्रिया, बहुत अहम जानकारियां दी और मुझे लगता है कि बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे बहुत सारे दंपतियों को तमाम जानकारी मिली होगी. और ये भी कहा जा रहा है कि देरी मत करिए, 1 या 2 साल में अगर बच्चा नहीं होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. और एक आइडियल एज 35 साल की उम्र से पहले महिलाएं जो है प्रेगनेंसी प्लान करें तो ही बेहतर रहेगा, वरना पुरुष की जांच भी जरूर कराएं. पुरुष की जांच भी जरूर कराएं जो कि आम तौर पर महिलाओं को कहा जाता है, महिलाओं के सिर ठीकरा मर दिया जाता है बांझपन का, लेकिन पुरुषों की भी जांच जरूरी भी हो सकता है. पुरुष भी हो सकता है वहां भी कुछ कमी हो. तो तमाम इलाज मौजूद हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर से सलाह लेनी वक्त पर वो जरूरी है. नमस्कार. साइंस